हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्रालय के ड्राइवर पर जासूसी का आरोप, पाकिस्तान को बेचता था खुफिया जानकारी, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय में तैनात एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि ड्राइवर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हनी ट्रैप में फंसाया था और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वही दोस्तों, पुलिस ने बताया कि ड्राइवर को जवाहरलाल नेहरू भवन से गिरफ्तार किया गया और वह पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्रालय की खुफिया जानकारी भेजता था और इसके बदले उसे पैसे मिलते थे। वही दोस्तों, ड्राइवर पाकिस्तान की एक महिला जासूस के संपर्क में था और उसे विदेश मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां भेजता था। तो दोस्तों, महिला ड्राइवर से कहती है कि वह कोलकाता में रहती है और वह कभी अपना नाम पूनम शर्मा तो कभी पूजा बताती है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि यह मामला हनी ट्रैप का है और अधिकारियों ने बताया कि हम आरोपी से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने पाकिस्तान को क्या जानकारी दी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। TRS विधायकों को खरीद फरोख्त मामले में BJP नेता को समन, SIT ने BL संतोष को 21 नवंबर को थाने बुलाया। तो दोस्तों, तेलंगाना में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि राजनीति में विधायकों को खरीद फरोख्त। तो दोस्तों, इस मामले में SIT ने भाजपा नेता BL संतोष को तलब किया है और SIT ने उन्हें 21 नवंबर को पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा है। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अगर वे पेश नहीं होते हैं तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वही दोस्तों, इधर भाजपा नेता ने भी हाईकोर्ट में अंतरिम याचिका दायर करने का फैसला किया है और इससे पहले तेलंगाना में विधायकों को 100 करोड़ में खरीदने की कोशिश के मामले में राज्य पुलिस ने 4 राज्यों की 7 जगहों पर छापेमारी की थी। वही दोस्तों, इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो दोस्तों, जानकारी के साथ आपको बता दें कि पिछले महीने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भाजपा पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के दलाल हमारे विधायकों को रिश्वत देकर खरीदने का काम कर रहे हैं और तेलंगाना के एक फार्म हाउस में हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, लेकिन KCR के विधायक बिकने वाले नहीं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। PM ने अरुणाचल में किया एयरपोर्ट का उद्घाटन, 640 करोड़ में बना, मोदी बोले हमारा काम अटकाना लटकाना भटकाना नहीं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है और दोस्तों, ईटानगर में बना यह एयरपोर्ट 640 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वही दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ईटानगर में 600 मेगावाट का कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। तो दोस्तों, मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जानती है कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आए हैं और जहां जिन परियोजनाओं को हमने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करते हैं और हमारा काम अटकाना लटकाना भटकाना नहीं है, इसका युग चला गया। वही दोस्तों, उन्होंने साथ में कहा कि 2019 में जब मैंने इसका शिलान्यास किया था तब चुनाव होने वाले थे और कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने शोर मचाया कि कोई एयरपोर्ट नहीं बनने वाला है और मोदी वोट के कारण पत्थर खड़ा कर रहे हैं और आज का उद्घाटन उनके मुंह पर तमाशा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5G की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे 15 लाख करोड़ रुपए, स्मार्ट होंगे कारखाने। तो दोस्तों, 5G टेलीकॉम सेवाओं से अर्थव्यवस्था को तेज विस्तार में मदद मिलेगी और IT इंडस्ट्रीज के संगठन नैसकॉम के मुताबिक 5G के चलते 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था में 14.69 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे। तो दोस्तों, यह GDP के 2% के बराबर है। वही दोस्तों, नैसकॉम और ऑथर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी स्कीम से 5G का तेज प्रसार होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि 110 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम यूजर के साथ भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो दोस्तों, इनमें 74 करोड़ 4G उपभोक्ता है जो जल्द 5G में शिफ्ट हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में 5G से जुड़े बिजनेस 15 लाख करोड़ तक पहुंचने में अलग अलग सेक्टरों का योगदान होगा और दोस्तों, एनर्जी, यूटिलिटी और हेल्थ कंसल्टेशन, रोबोटिक सर्जरी, क्लाउड बेस्ड पेशेंट प्रोफाइलिंग में 5G का इस्तेमाल होगा। और दोस्तों, यही नहीं कि 5G वियरेबल्स और मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्मार्ट फैक्ट्रियों का चलन बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फीफा 2022 पर एलन मस्क का बड़ा ऐलान। ट्विटर पर दिखाया जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मैच। मस्क बोले बेस्ट कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री होगी। तो दोस्तों कतर में होने जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेकर ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो दोस्तों एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर कर कहा है कि ट्विटर रविवार को वर्ल्ड कप के पहले मैच की लाइव कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री करेगा। तो दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ट्विटर कर लिखा कि वर्ल्ड कप का पहला मैच रविवार को है, ट्विटर पर देखे बेस्ट कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री। हालांकि दोस्तों एलन मस्क ने अपने इस ट्वीट में फीफा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप लिखा है। तो दोस्तों इतना ही नहीं कि ट्वीट में मस्क ने मैच के कवरेज और कमेंट्री को लेकर भी अन्य कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है। और दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 22वें सीजन की शुरुआत कतर में रविवार से ही हो रही है। तो दोस्तों इससे पहले अंदाजा लगाया जा सकता है कि मस्क ट्वीट में फीफा वर्ल्ड कप की ही बात कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एयर इंडिया में मर्ज हो सकता है विस्तारा ब्रांड। टाटा ग्रुप ने 4 एयरलाइंस के एक साथ मिलने के संकेत दिए। तो दोस्तों टाटा ग्रुप एयर इंडिया के तहत अपने 4 एयरलाइन ब्रांड को मर्ज करने और विस्तारा ब्रांड को खत्म करने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों ग्रुप यह कवायदा लड़खड़ाते एविएशन एम्पायर को फिर से खड़ा करने के प्रयासों के तहत कर रहा है। तो दोस्तों घटनाक्रम से करीबी तौर पर जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का ज्वाइंट वेंचर है और कंपनी ज्वाइंट यूनिट में हिस्सेदारी के आकार का मूल्यांकन कर रही है। साथ ही दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस ने एक बयान में यह भी कहा है कि SIA और टाटा ग्रुप के बीच बातचीत चल रही है। तो दोस्तों SIA और टाटा मौजूदा साझेदारी को गहरा करना चाहता है। तो दोस्तों इसके लिए विस्तारा और एयर इंडिया का एकीकरण भी किया जा सकता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि एयर इंडिया का नया मालिक टाटा ग्रुप इस कंपनी को दोबारा खड़ा करने की तैयारी भी कर रहा है और इस कड़ी में फुल सर्विस कैरियर 300 से अधिक नैरो बॉडी जेट के लिए ऑर्डर देने पर विचार कर रही है। और दोस्तों यह लेन देन कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर में से एक होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। KCR की बेटी ने बीजेपी सांसद को दी धमकी। कहा बीच चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, भाजपा नेता ने थाने में की शिकायत। तो दोस्तों तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की बेटी और TRC MLC के कविता भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो दोस्तों उन्होंने सांसद को बीच चौराहे पर चप्पल से मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों कविता ने कहा है कि अरविंद गंदगी की तरह है, हम उन पर पत्थर नहीं फेंकते, वह छिछोरा किस्म के व्यक्ति है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति भाजपा में है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो मैं आपको निजामाबाद के चौराहे पर चप्पलों से पीटूंगी और हम चुप नहीं बैठेंगे। और दोस्तों अरविंद ने इस मामले हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों दरअसल एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अरविंद पर मुख्यमंत्री के परिवार के बारे में एक अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा था। तो दोस्तों इसके बाद बीते शुक्रवार को भाजपा नेता के हैदराबाद स्थित घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और दोस्तों उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की और घर की खिड़की और फर्नीचर में भी तोड़फोड़ डाले। तो दोस्तों सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले भी फूंका गया। तो दोस्तों हमले के वक्त सांसद घर पर मौजूद नहीं थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अरविंद के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सावरकर पर राहुल का बयान तोड़ सकता है कांग्रेस शिवसेना गठबंधन। उद्धव गुट के नेता बोले नेतृत्व फैसला लेगा। तो दोस्तों वीर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। तो दोस्तों राहुल के बयान के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन तोड़ सकती है। साथ ही दोस्तों उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने कहा है कि हम राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है, हम सावरकर की इज्जत करते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं। तो दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर असहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि हमारे मन में वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। वही दोस्तों उद्धव ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वे सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देते। और आदित्य ठाकरे ने आज दोस्तों मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि मेरा भी वही स्टैंड का जो पार्टी के अन्य नेताओं का है। और आदित्य इसी हफ्ते कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ शामिल हुए थे। वही दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा
है कि महाराष्ट्र के लोग हिंदू विचारक व्यक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले हैं कि राहुल गांधी बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। और राहुल के इस बयान के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के पुणे कार्यालय में घुस गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिन में 17 बैठकें होगी। तो दोस्तों संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा जो 29 दिसंबर तक चलेगा। तो दोस्तों इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी है। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र कुल 23 दिन का होगा जिसमें 17 बैठकें होगी। वही दोस्तों अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक खासतौर पर यह पहला सत्र होगा जिसके दौरान वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के चेयरमैन है और सदन में कार्यवाही करेंगे। तो दोस्तों सत्र ऐसे समय शुरू होगा जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी लहर रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए और क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकांश सदस्यों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए बिना किसी प्रतिबंध के सत्र आयोजित होने की संभावना है। हालांकि दोस्तों पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से संसद सत्र पर असर पड़ा था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।